तो क्या आप भी 30 मार्च की तैयारी में दिन रात एक करके बैठे हुए हैं? तो बिल्कुल आपका बैठना जायज है और मैं आपके साथ आपका साथ निभाने के लिए जरूर तैयार हूं, हर जगह से हर तरह से खड़ा हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें चार टॉपिक होते हैं। सबसे पहला है इसमें डिग्री, दूसरा है इसमें वॉइस, तीसरा है इसमें आपका इंटरचेंजेस, चौथा है रिमूवल टू। इन सभी के रूल्स और ट्रिक्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 साल से लगातार पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको कई बार पढ़े होगा आपने लेकिन वो क्लियर नहीं हो। और आपको एक बात बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप इस चीज के बिल्कुल उसमें ना रखें कि इंटरचेंज वाला जो टॉपिक है वो हम छोड़ दें, वॉइस आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। भैया चार टॉपिक में से कोई दो क्वेश्चन पूछेगा। अब हमने अगर एक भाई मान लीजिए डिग्री पढ़ा है, हमने इंटरचेंज छोड़ा है, तो इस चीज इस भूल के साथ ना बैठें, क्योंकि अंतिम प्रहार जोरदार होना चाहिए। 30 मार्च की तैयारी है, दमदारी है, ठीक है। तो आपको मैं इंटरचेंज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 4 से 5 टॉपिक आपके इंटरचेंज में आते हैं, जैसे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। ये वो चीजें नहीं जो क्लास 10th में हमने पढ़ा है, बहुत अलग चीज है। आज यहां पर मैं टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं रिमूव टू से। रिमूव टू के में तो टोटल 4 टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल 3 टाइप जो बार बार पूछा गया है, और मैं गारंटी देता हूं, लिखित ले लो, अगर ये आएगा तो आप कर लोगे। मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे ऊपर कर रहे हैं तो मैं आप पर भरोसा करता हूं कि बिल्कुल। बस आपको की पॉइंट जानना है, की पॉइंट क्या है, उसके मेन पॉइंट जानने हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है कि टाइप फर्स्ट क्या है, कि भाई ये 2 अगर आता है तो इस 2 की जगह हम 100 का यूज करते हैं। ये वाला 2 आएगा जिसको हम इन्फिनेटिव 2 कहते हैं, तो इसकी जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का मतलब अगर इज, एम, आर तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब आई तो हम कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और सेंटेंस अगर पास्ट में यानी वॉज या वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। सामने मैंने ऑप्शन भी लिखा है इसका एग्जाम्पल भी किया है, दिया है। तो देखिए बस इस 2 को याद रखना, ये वाले दोनों 2 अगर ये दोनों 2 आते हैं तो सो और दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है कि ही इज 2 वीक 2। ये देखिए ये वाला भी 2 आया और ये वाला भी 2 आ गया। तो जब भी आपको बताया मैंने कि इस 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम, सो, तो ही इज सो, उसके बाद बीच में हमारा एडजेक्टिव है, लगाएंगे इस 2 की जगह पर दैट रखा। अब हम डायरेक्टली प्रेजेंट में है तो कैन नॉट डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, क्योंकि दैट एक कंजंक्शन है जो 2 सेंटेंस को जोड़ता है। तो पहले वाले सेंटेंस की शुरुआत जिस तरह से हुई है यानी सब्जेक्ट से हुई है, तो दूसरे वाले सेंटेंस की शुरुआत भी हम सब्जेक्ट से ही करेंगे। अब कहीं दूसरी जगह सब्जेक्ट हमें लेना नहीं है, जो भी यहां सब्जेक्ट हो, ही सी कुछ भी हो, उसी ही सी को यहां रख देंगे। अभी देखते हैं कि प्रेजेंट में है, इज हमारा प्रेजेंट में है, कैन नॉट लगा दिया और वॉक लिखना था तो वॉक लिख दिया। तो बस ये सब आपने कई बार पढ़ा है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार ये चले, एक झलक है, एक रिवीजन है, ये फाइनल टच है, अंतिम प्रहार है, तो आपको इसमें दमदारी दिखानी है। जब इसी तरह से सेंटेंस हमारा पास्ट वाला भी देखते हैं कि सी वॉज 2 यंग टू ट्रेवल, ठीक है, तो सी वॉज इस 2 की जगह पर सो आया, यंग इस 2 की जगह पर दैट आया। अब फिर से कंडीशन है कि सब्जेक्ट हमें यही वाला लेना है, सी ले लिया। अच्छा अब यहां पर बात यह है कि कैन नॉट लेना या कुड नॉट, तो भाई वॉज दिया है तो कुड नॉट का ही प्रयोग करेंगे ना, और फिर ट्रेवल लिख दिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम हमें नहीं करना होता है, बस 2 की जगह पर टी डबल ओ वाले की जगह पर सो, टी ओ वाले की जगह पर दैट। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप जो पूछा जाता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ऐसे टाइप्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए एक 2 आता है कि टाइप नंबर 2 में, कि जब ये वाला 2 ना हो, ये वाला 2 ना हो, केवल टी डबल ओ वाला हो, तो जब केवल टी डबल ओ वाला होगा तो ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग हम इस 2 की जगह पर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि द टी इज 2 हॉट, अगर यहां पर आगे 2 होता जो कि है नहीं तो फिर हम कुछ और बनाते, अदरवाइज इस 2 की जगह पर ओवर या एक्सट्रीमली दोनों में से कोई एक लिख दो, कि द टी इज ओवर या एक्सट्रीमली हॉट, बन गया हमारा 2 नंबर मिल जाएगा, 2 में से एक करना होगा। अब देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है,
है ना, और पूछा कितना जाएगा, केवल दो नंबर। तो बात दो नंबर की नहीं, बात तो एक नंबर से तो परसेंट बिगड़ता है और बनता है, इसमें आप क्यों भूल रहे हैं। आधे आधे नंबर से परसेंटेज बन जाता है और बिगड़ जाता है। 59.59% है तो आप सेकंड डिवीजन है, 60% है तो फर्स्ट डिवीजन, तो सोचिए ना, है ना अंतर। अब देखिए टाइप नंबर थर्ड हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर वाले सेंटेंस। फॉर वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, वैसे तो आपका काम इन्हीं दोनों में से हो जाएगा, टाइप फर्स्ट और सेकंड इन्हीं में से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, क्योंकि डिग्री भी अभी है, वॉइस भी अभी है, इंटरचेंज भी अभी बचा हुआ है। तो यहां पर इस टू की जगह पर हम सो का यूज करते हैं, लेकिन दूसरा वाला टू नहीं होता, जबकि बीच में क्या आता है, फॉर मी आ जाएगा, फॉर हिम आ जाएगा, फॉर हर। तो फॉर मी आता है तो वाई लगाना, फॉर हिम आता है तो ही, और फॉर हर आता है तो सी। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। सेंटेंस देखिए एग्जांपल की, द ट्री इज टू, ये वाला टू आया, फॉर मी, फॉर टू हाई, फॉर मी आया शब्द, टू क्लाइम, ठीक है। तो द ट्री इज सो हाई दैट, अब यहां पर द ट्री को हम नहीं लिखेंगे ना कि भाई पेड़ इतना लंबा है कि वो खुद पर नहीं चढ़ सकता, अरे हमको पेड़ को खुद पर नहीं चढ़वाना है, हमें यहां पर खुद पेड़ पर चढ़ना है। तो फॉर मी के लिए हमने क्या यूज किया, आई कैन नॉट, उसके बाद हमने लिख दिया क्लाइम। तो ये था आपका रिमूवल टू वाला पूरा वाक्य। अब आपसे मैं कहता हूं आप कॉपी खोलिए और लगाना शुरू करिए, सिर्फ इस रूल को रख लीजिए, याद रख लीजिए, लिख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाहर का कोई भी चीज नहीं आएगा, अगर रिमूव टू से आएगा तब, अदरवाइज इसमें चार टॉपिक है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर और हम आगे बढ़ते हैं, अब किधर पढ़ा जाए, अब हम बढ़ते हैं अपने डिग्री की तरफ। तो चलिए डिग्री की तरफ चलते हैं कि डिग्री के बारे में कहा जाता है, डिग्री की जो पहचान होती है, आज तक मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो डिग्री के बारे में मैं बोलूं तो डिग्री की ये डिफिनेशन नहीं बता पाते, लेकिन आज के बाद आप जान लीजिए कि डिग्री इज एज लाइक अ वर्ब, जैसे वर्ब की तीन फॉर्म होती है उसी तरह एडजेक्टिव की तीनों फॉर्म को हम डिग्री कहते हैं। एक लाइन में है कि एडजेक्टिव की तीन फॉर्म को डिग्री कहते हैं, कौन कौन सी डिग्री होती है, तो भैया पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। अच्छा इतने क्लियर हो गया, अब बात आते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को हम पहचानते कैसे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री को जब भी एज और एज लगा हो और बीच में एडजेक्टिव, जैसे कोई वर्ड गुड दे दिया, है ना, स्ट्रॉन्ग दे दिया, स्मॉल दे दिया, थिन दे दिया, ठीक है, या सो एडजेक्टिव एज के माध्यम से पहचानते, यानी एज एज सो एज, ये दोनों वर्ड आए हैं तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात और कि एज और एज तभी आएगा जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो, सो और एज कब आएगा जब सेंटेंस हमारा निगेटिव हो। जैसे एग्जांपल देखिए कि ही इज एज गुड एज, ठीक है, एज और एडजेक्टिव एज आया सी। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है ना, ये पूरा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, जबकि निगेटिव में नॉट आएगा तब हम सो फिर एज लगाएंगे, यानी सो एडजेक्टिव एज। क्लियर हो गई बात, तो अफर्मेटिव में एज एडजेक्टिव एज, निगेटिव में सो एडजेक्टिव एज। कंपरेटिव डिग्री को पहचानने का क्या तरीका है कि एडजेक्टिव में ही हम क्या करते हैं, ईआर लगाते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ दैन लगाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग लिखा है हमने स्ट्रॉन्गर किया, स्मॉल है स्मॉलर, है ना, टॉल है टॉलर, ईआर लगा दो और दैन लगा दोगे तो सेंटेंस हमारा कंपरेटिव होगा। सुपरलेटिव क्या होता है कि एडजेक्टिव में ईएसटी लगाना होता है और उससे पहले क्या आता है, हमेशा द का यूज होता है। द आए बिना उस एडजेक्टिव में ईएसटी लगाया गया तो वो सुपरलेटिव नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि स्मॉल एक एडजेक्टिव है, उसमें ईएसटी लगाओ स्मॉलेस्ट होगा, लेकिन उसके पहले हमें द का यूज करना है। जैसे ही इज द है और स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव, उसमें ईएसटी लगाया तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। क्लियर हो गई बात, कंपरेटिव में दो लोगों की तुलना करते हैं जबकि सुपरलेटिव में एक की तुलना सभी लड़कों से कर देते हैं, ठीक है, या एक की तुलना सबसे कर देते हैं तो वो सुपरलेटिव होता है। अब बात यहां पर आती है कि चेंजिंग प्रोसेस क्या होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि एक सेंटेंस लिखा और सामने लिख दिया जाता है कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो, सामने लिख दिया कंपरेटिव डिग्री में चेंज करो, सामने लिख दिया सुपरलेटिव में चेंज करो, तो चेंजिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए ये दो तरह से चेंज होते हैं। पहला, अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें कि पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस दिया है उसे कंपरेटिव में चेंज करना है, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो क्या रूल होना चाहिए। तो याद रखना कि अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस, यानी जो पेपर में आया हुआ सेंटेंस, वो पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है
तो कंपरेटिव में बदलते समय हमेशा वो निगेटिव बनेगा। यानी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो कंपरेटिव में बदलोगे तो कंपरेटिव वाला सेंटेंस निगेटिव में होगा, यानी नॉट का यूज करना होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस जो पेपर में आया है अगर वो निगेटिव में ही है तो कंपरेटिव में बदलते समय उसे हमें अफर्मेटिव में रखना होगा, उसे हमें किसमें करना होगा, अफर्मेटिव में। यानी जस्ट उल्टा सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो डिग्री में बदलते समय हम निगेटिव करेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो डिग्री में बदलते समय उसे हम अफर्मेटिव रखेंगे। इसी तरह से एक और चेंजिंग प्रोसेस होता है कि अगर दिया गया सेंटेंस हमारा कंपरेटिव में है और उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए कहा जा रहा है तो अगर कंपरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री बदलते समय निगेटिव करेंगे, और अगर कंपरेटिव डिग्री निगेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में करेंगे। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे, पॉजिटिव और कंपरेटिव को बदलने के लिए आपस में जब बदलते हैं तो सिर्फ इतना याद रखना कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपरेटिव डिग्री निगेटिव होगी, अगर कंपरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव होगी। यानी जस्ट उल्टा सेंटेंस जो भी आपको दिखाई दे अगर वो अफर्मेटिव है तो जो बनाओगे वो निगेटिव होगा, अगर निगेटिव है तो जो बनाओगे वो अफर्मेटिव होगा। ठीक है, ये प्रोसेस। अब मैं आपको चार ऐसे सेंटेंस पांच सेंटेंस बताता हूं, ठीक है, जो मेन है या जो आता है या जो पूछा जाता है। यानी पॉजिटिव से कंपरेटिव तो कर लिया, अब बात यहां पर आती है कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपरेटिव कैसे बनाते हैं, यही बार बार पूछा जाता है, तो देखो जल्दी से उसको। तो चलिए अपना हम लोग अब इसके कुछ चेंजिंग देखते हैं। जैसे डिग्री में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सुपरलेटिव से पॉजिटिव पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो पॉजिटिव और सुपर कंपरेटिव का सुपरलेटिव नहीं बनता, लेकिन सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव और कंपरेटिव दोनों बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पर यही है। अक्सर आपने देखा होगा कोई मॉडल पेपर उठाइए या आप किसी अनसॉल्व पेपर को उठाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसा कि जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस आया कि लॉन्गेस्ट, हमने समझ लिया कि इसमें ईएसटी लिखा हुआ है यानी सुपरलेटिव है, और उसने कह दिया कि भैया इसको आप पॉजिटिव में चेंज करो। तो पॉजिटिव में चेंज करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नो अदर, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जहां पर हमारा ईएसटी लगा हो, ईआर लगा हो या एस एज एडजेक्टिव एस दिया हो तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है ना ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज एडजेक्टिव एस प्लस मेन सब्जेक्ट। जैसे नो अदर से हम शुरुआत करेंगे, रिवर इन इंडिया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, उसके बाद इज एज लॉन्ग एज, लॉन्गेस्ट हमारा एडजेक्टिव था, लॉन्ग हमें इसलिए एज करना पड़ा क्योंकि हमारा पॉजिटिव डिग्री। फिर लिखना है द गंगा। अब अगर इसी सेंटेंस को अगर कहा जाए कि सुपरलेटिव में चेंज करो तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वही बनेगा जो ये बना है कि द गंगा पहले लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद द लगाओगे, फिर लॉन्ग शब्द में ईएसटी लगाओगे, फिर रिवर इन इंडिया कर दो। यानी ये सब आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते हैं। एक कंडीशन और होती है कि अगर सुपरलेटिव वाला सेंटेंस में क्या आ जाए, वन ऑफ द आ जाए, अगर सुपरलेटिव वाले सेंटेंस में वन ऑफ द आ जाए और कहा जाए कि भैया पॉजिटिव में चेंज करो आप, तो पॉजिटिव में चेंज करने की शुरुआत वेरी फ्यू से करना बेटा, नो अदर से नहीं करना। नो अदर से तब करना जब सेंटेंस हमारे, जब इसमें क्या ना लगा हो, वन ऑफ द ना आया हो। वन ऑफ द आएगा तो वेरी फ्यू का यूज करना, वन ऑफ द नहीं आएगा तो नो अदर का यूज करना। खूब अच्छे से इस चीज को दिमाग में भर लो अपने। अब दूसरी कंडीशन है कि सुपरलेटिव टू कंपरेटिव, यानी अब आपको, अभी पहला वाला क्या था, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, अब सुपरलेटिव से कंपरेटिव चेंज करने के लिए कह रहा है। तो बस याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव में ईआर, फिर देन, फिर एनी अदर शब्द। नो अदर जो शुरुआत में था इसी को हम यहां एनी अदर में बदलते हैं, फिर लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे, देख लीजिए खुद ही कि द गंगा इज द लॉन्गेस्ट, ईएसटी लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब इसे सामने लिखा गया कि कंपरेटिव में चेंज करो, तो द गंगा हेल्पिंग वर्ब इज लॉन्गर, क्योंकि लॉन्ग है तो ईआर लगाओगे तभी कंपरेटिव बनेगा, देन यूज कर दो। फिर एनी अदर, जो नो अदर पॉजिटिव में था वही एनी अदर यहां बदल गया, ठीक है। रिवर इन इंडिया, सब कुछ उसी तरह से करना है।
एक कंडीशन और होती कि अगर सुपरलेटिव वाले सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ का प्रयोग किया गया और उसे कंपरेटिव में चेंज करने के लिए कहा गया। तो याद रखना कि इसके साथ हम इस एनी अदर की जगह पर क्या यूज करेंगे, ठीक है, मेनी अदर का यूज करेंगे। कब? एनी अदर बिना वन ऑफ द वाला सुपरलेटिव डिग्री, और मेनी अदर जब वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री दिया होगा तब। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यही सब आपस में बदलते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया कि द गंगा, जैसे हम दिया कि द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। अब यहां पर उसने लिख दिया कि सुपरलेटिव में चेंज करो, यहां पर लिख दिया पॉजिटिव में चेंज करो, तो सब आपस में ही बदलते हैं। आपने रूल पढ़ा होगा, किताब पढ़ी होगी, तो आपको बिल्कुल हर हाल में ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरचेंज की तरफ। वॉइस में हम लास्ट में जाएंगे, अभी इंटरचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके मेन मेन रूल लिखने जा रहा हूं, खूब अच्छे से पढ़ लो भैया। अंतिम प्रहार जरूरी है और ऐसा प्रहार करना है कि सीधा उसका फायदा हमें अपने रिजल्ट में दिखाई दे। तो चलिए देखिए, हमारा जैसे पहला इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस क्या है कि अफर्मेटिव एंड निगेटिव, यानी सेंटेंस हमारा दिया होगा अफर्मेटिव में और उसे उसके सामने दिया होगा निगेटिव वर्ड लिखना होगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए लिखा है यहां पर, मान लीजिए यहां पर लिखा हमने पहला कि ही लव्स या ही हेट्स यू, और सेंटेंस में लिखा गया कि इसको आप निगेटिव में बदलिए। अब ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आया हुआ है, आपको समझना है, ध्यान देना है कि इसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप जानते हैं कि शब्द बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब वह तुमसे नफरत करता है, इसका मतलब वह तुमसे तुम्हें चाहता नहीं, पसंद नहीं करता। तो अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके निगेटिव बनाते हैं, ठीक है, याद रखिए। अब जैसे हेट यहां पर मेन वर्ड है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? लाइक होता है। तो आप इसको ऐसे बनाइए कि ही डज नॉट लाइक यू, ये बनता है। जैसे यहां पर एक दूसरा सेंटेंस दिया जाए कि आई लव यू, ठीक है, ये अब कहा गया कि निगेटिव बनाओ, तो इसका मतलब आई डू नॉट हेट यू, ठीक है, आई डू नॉट हेट यू, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। बातें सब उसी तरह से हैं, शब्द बदल जाएंगे, अर्थ नहीं बदलेगा, यही ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है। और देखिए, अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया, हेट का लाइक, लव का हेट, अपोजिट वर्ड का प्रयोग कर दो और निगेटिव लगा दो, अब यही बनेगा। और यही सब आता है, कोई और चीज नहीं आती, ये बात आप याद रखिए। ऐसा नहीं कि बस डिग्री ही दे दिया, वॉइस ही आ जाए, कुछ कंफर्म नहीं होता, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना जरूरी है। जैसे एक और देखिए कि अलोन या ओनली, आए तो नन बट का प्रयोग करते हैं शुरुआत में। जैसे सेंटेंस आया कि सोहन अलोन या ओनली, ठीक है, गॉट द प्राइज। अब ये सेंटेंस हमारा है और इसको कहा गया कि निगेटिव बनाइए। चलिए नीचे जगह नहीं तो मैं यहां बना देता हूं कि नन बट से शुरुआत करेंगे, फिर पूरा लिख दो, नन बट सोहन गॉट द प्राइज, ये होता है, ऐसे लिखना है हमें, क्लियर हो गई बात। तो जब भी अलोन या ओनली आए तो नन बट से शुरुआत करनी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और बार 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 नहीं हजार बार पूछा गया ये वाला सेंटेंस है कि जब सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से हो तो नो सूनर से शुरुआत करते हैं। यानी अभी जैसे ये लिखा है एज सून एज आई सा टाइगर आई रैन अवे, और सामने लिख देगा भैया निगेटिव में बनाओ। अब जब पढ़े होंगे तभी निगेटिव बनाएंगे ना, ऐसे तो बनाएंगे नहीं। अब अगर इसको बनाना है तो एज सून एज की जगह पर क्या लिखोगे? नो सूनर। अब ये आई सा टाइगर पास्ट इंडेफिनिट में दिख रहा है, अब इसका इंट्रोगेटिव वाला हिसाब लगाना है तो भैया डिड लगा दो, आई लगा दो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ए कर दो टाइगर। और एक बात याद रखना कि नो सूनर के साथ हमेशा इस कॉमा की जगह पर क्या आता है? देन आता है, ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, आई रैन अवे, ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव से निगेटिव।
एक और इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव बनाना। केवल दो ही इंटरचेंज है जो बहुत आते हैं, बहुत पूछा जाता है, इतना ही पढ़ लिया आपने तब भी आपका काम हो जाएगा कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं, उसके बाद हम लोग वॉइस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, रूल नहीं देखेंगे, रूल तो आप जिंदगी भर पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए पहले उसका भी देख लेते हैं, अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी। चलिए देखिए हमारा दूसरा है और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बदलना है। तो इसका एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ, वुड या ओ दैट के स्थान के साथ होती है तो इनके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानते कैसे हैं, तो भैया लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा वही एक्सक्लेमेटरी है। तो शुरुआत कैसे हो, इफ से हो या वुड से हो या ओ दैट से हो, उसके बाद कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन तीनों वर्ड से शुरुआत होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की और उसे असर्टिव में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो असर्टिव में कैसे लिखते हैं, आई विश दैट, तीनों के तीनों अलग अलग हैं या आप इनको एक साथ मान लीजिए, या तीनों में से कोई भी एक वर्ड आता है और शुरुआत एक्सक्लेमेटरी से है, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, तो असर्टिव में आई विश दैट लगाकर आई कुड सी माई मदर अगेन, तो आई कुड सी माई मदर अगेन पूरा लिख दीजिए। कुछ इधर उधर से और इंपॉर्टेंट रूल लिए हैं, जैसे नेवर को हमेशा एवर में बदलते हैं और नो वन को हमेशा नन में बदलते हैं। जैसे ही विल नेवर फॉरगेट मी, तो क्या लिखोगे कि ही विल, ठीक है, खैर ये असर्टिव में था या इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, तो ही विल एवर फॉरगेट मी, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो विल ही एवर फॉरगेट मी, ठीक है ये। उसके बाद नो वन नोज यू, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो नोज दिखा है तो भैया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो डज, ठीक है, नो वन को कैसे करेंगे, नन, तो डज, ठीक है, नन करेंगे ना, ठीक है, नो वन को एनी वन में बदलते हैं, सॉरी यहां पर नो वन को एनी वन में बदलते हैं, तो डज एनी वन नो यू, ठीक है ये होगा। खैर ये तो जो रूल है ये हमारे, ये कुछ अलग से थे जिनको मैंने बताया, तो याद रखना कि अगर ये इंटरचेंज वाले में आते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव जैसा कोई भी दिखता है, तो नेवर को एवर में और नो वन को एनी वन में बदलते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, करीब 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो वॉइस के हैं, और वही आए हैं, कौन कौन से आए हैं जो आपको पढ़ना है वो भी देख लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट 10 सेंटेंस हैं। तो चलिए हमारे कुछ सेंटेंस हैं जो पूरी तरह से वॉइस पर ही है और आएगा तो यही आएगा, अदरवाइज वॉइस से ही नहीं आएगा। अब इतना कॉन्फिडेंस अगर मैं समीर शुक्ला कह रहा हूं तो कुछ तो है भाई, तभी बोल रहा हूं, अदरवाइज मैं कोई ऐसा नहीं व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भौकाल डाल रहा हूं, कुछ भी नहीं ऐसा, इसी तरह से आएंगे, यही नहीं आएगा, इसी तरह का आएगा, ये मेरा वादा है। देखिए हु वाले सेंटेंस जरूर याद रखिए कि हु टॉट यू ग्रामर, तो हु वाले में बाई हूम वर यू टॉट ग्रामर, इतना ही आता है, तो हु वाला जरूर पढ़ लीजिए आप एक बार। आई नो हर, नो वाला भी जरूर पढ़िए, क्योंकि और सभी वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई लगता है, लेकिन ये एकमात्र वर्ब है जिसके साथ टू लगता है, तो आई नो हर, तो सी इज नोन टू मी। डू नॉट वाले सेंटेंस याद रखिए कि डू नॉट से शुरू होने वाला सेंटेंस, तो हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट मी नॉट बी हेटेड। इंपरेटिव सेंटेंस भी एक बार पढ़ लीजिए कि हेल्प द पुअर, तो लेट द पुअर बी हेल्प। एक और सेंटेंस जो सबसे आसान होता है, यानी अफर्मेटिव वाला, ठीक है, अफर्मेटिव का सेंटेंस बहुत खतरनाक होता है और अक्सर ये पास्ट इंडेफिनिट से पूछा जाता है, ये भी सुन लीजिए, आई एट माई फूड, तो माई फूड वॉज ईटन बाई मी, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी तो बच्चे गलत कर देते हैं। एक और पढ़ लीजिएगा, इट इज टाइम टू वाला, इट इज टाइम टू क्लोज द डोर, तो इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज्ड, और विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई यू। यानी कहने का मतलब है कि लगभग लगभग इसी तरह का आता है, या इस तरह के सेंटेंस आप पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो यहां पर मैंने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की, आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो एकदम धमाकेदार काम करके
प्लीज 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 जो बार बार कहता हूं शेयर करो भाई, शेयर कर दो, बच्चों के पास तक पहुंचा दो। अंतिम प्रहार करना है 30 तारीख को, सबके पास ये अस्त्र शस्त्र शस्त्र पहुंचे तभी प्रहार होगा, दमदारी से काम होगा। तो आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में होगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब।